क्वेश्चन के। तो आपका ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। यहां पर ऐसे ये गोल होता है, ये ऐसे गोल होते हैं, ये इसकी हाइट हो गई जिसको एच से डिनोट करते हैं। ये यहां पर एक, ये मान लीजिए जो गोला बन रहा है ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर के केस में तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला आपको आता है कि आप इसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आर है ये रेडियस है, एच जो है वो हाइट है। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी होती है तो 22/7 या तो 3.14 हम रख करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको कहा जाता है कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। क्या निकालिए? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πRh। सिमिलरली आर रेडियस है सिलेंडर का, एच हाइट है। इसके बाद आपको इसमें कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि आपका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और जो दोनों बेस है दोनों के एरिया को जोड़ करके निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए दो बेस है, तो इस जो बेस है इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इस बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक। और ये आपका कर्व्ड सरफेस है तो उसका एरिया, तो आप इस सबको ऐड कर देंगे 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी आपका हो गया 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर। ये आपका कॉमन आ गया 2πR और आपका फॉर्मूला हो गया R प्लस H। दूसरी बात, टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो इसका यूनिट लिखोगे मीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया का लिखोगे मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का आप यूनिट लिखोगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब और या तो फिर लीटर में लिखा जाता है। अब मैं इन तीनों टॉपिक पर आपको कंसेप्ट बेस्ड एक एक तरीके से क्वेश्चन सिखाऊंगी और उसमें बहुत सारी चीजें, कुछ यूनिट्स कन्वर्जन्स भी बताऊंगी, तो एक के बाद एक मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, और उसका जो रेडियस है दिस वन, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डेटा है। हम आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि हमको इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह हो गया 22/7 आर स्क्वायर, तो ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो हमने आर स्क्वायर है तो 7 को दो बार लिखा, हाइट को हमने 10 लिखा, ये हमारा कट गया। ये हमारा आ गया 2 7 14 2 7 14 115 0। ये यूनिट्स किस में है? सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए कि इसी वॉल्यूम को आप लीटर्स में बताइए, किस में बताइए? लीटर्स में बताइए। तो अगर ये चीज सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। मतलब अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाता है, तो यानी ये आंसर हो जाएगा 1.54 liters। ठीक, इसी को मैं अगर थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ कि अगर आपको यहां पर यही जो डेटा है ये सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, यही डेटा आपको दूसरी तरह से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है लेकिन हाइट जो है वो 10 मीटर्स है और आप वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में बताइए, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले कि आपका ये जो रेडियस है और जो हाइट है दोनों को आप सेंटीमीटर में बदलिए, तो ये 10 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में बदला तो 10 into 100
इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो रेडियस है और जो हाइट है दोनों को आप मीटर में बदल लो। तो यानी 7 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदला तो ये मीटर हो गया और ये आपका 10 मीटर ऑलरेडी है। ठीक हाँ, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो गया 22/7 × 7 × 7 और यहां हो गया 1000। ये आपका कट गया, ये आपका आ गया 154,000 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर आपका हो जाएगा 22/7 × 7/100 × 7/100 × 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये आपका 7 कट गया, 154, ये आपका ये कट गया, ये हो गया 1000। लेकिन ये आंसर आपका है मीटर क्यूब में, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में इसको लीटर में लिखना है और ये मीटर क्यूब में है और इसको लीटर में लिखना है। तो आप कैसे करोगे, जब आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा और आपको लीटर में बदलना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, और अगर ये मीटर क्यूब में है और इसको लीटर में बदलना है तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो लीटर में चेंज होगा। यानी मैं फिर से इसको साफ साफ लिख रही हूं आपके लिए, कि अगर आपको सेंटीमीटर से लीटर में लिखना है तो आप डिवाइड करोगे 1000 से तो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मीटर्स में है और आपको लीटर में लिखना है तो आप इंटू करिएगा 1000 से तो आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ देखिए क्या आ गया, 154 लीटर्स, और यहाँ पर जब आप इंटू करोगे तो देखिए 154 लीटर्स, देखिए सेम आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम निकालते हैं। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे टोटल सरफेस एरिया वगैरह कैसे निकाला जाता है। हमने वही लिया कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सिंपली आप रखोगे 2 × 22/7, रेडियस आपका 7 और हाइट आपकी 10, ये कट गया, ये हो गया 440 और ये मेरा सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने को कहा जाए इन्हीं डेटा के लिए, डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा में ये याद रखिए कि अगर एक डेटा सेंटीमीटर में है तो दूसरे को भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, अगर एक डेटा मीटर में है तो पहले वाले को भी आप मीटर में, मतलब यूनिट्स आपको सेम रखनी है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr(r+h). फॉर्मूला आपको नहीं याद होता तो एक पूरे पेज में नीचे तक लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला याद करिए तब क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत आसान लगेगा मेंसुरेशन। 2 × 22/7, रेडियस पर आपका 7 और ये 7+10, क्योंकि रेडियस की वैल्यू कितनी थी 7 और हाइट की वैल्यू कितनी है 10, ये आपका कट गया, ये हो गया 44 × 70। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि हमको मास यानी वेट ऑफ द सिलेंडर निकालना होता है, तो अब इसके बाद मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि वेट ऑफ द सिलेंडर आप कैसे निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज गिवेन, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवेन एंड वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द सिलेंडर। उस सिलेंडर का हिंदी में उसको कहते हैं द्रव्यमान बताइए। तो मान लीजिए फॉर एक उसमें आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई होगी कि उस जो मेटल है उसकी जो डेंसिटी है फॉर एग्जांपल 50 kg/m³, ऐसे आपको डेंसिटी दी हुई है। कभी कभी आपको डेंसिटी दी होगी 50 g/cm³, किसी भी यूनिट में दी हो सकती है डेंसिटी। तो यहां पर आपकी खास बात क्या है कि अगर डेंसिटी मीटर क्यूब में दी हुई है
तो आप दोनों यूनिट्स को मीटर में बदल लीजिएगा। और अगर डेंसिटी आपके ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई होगी तो आप दोनों यूनिट्स को सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, नहीं तो आपके आंसर में गलतियां हो जाएंगी। ये आपकी मेन बात है। और दूसरी चीज, आपको वेट ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यही जो मास है यही आपका वेट ऑफ सिलेंडर है, इसी को वेट ऑफ सिलेंडर कहते हैं। तो वेट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और डेंसिटी आपको ये दी हुई है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच फॉर द सिलेंडर। तो इस तरीके से वेट ऑफ द सिलेंडर हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए ये वाला डेटा लेके चलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब वाला, क्योंकि मेरे डेटा दोनों सेंटीमीटर में है। अगर यहाँ मीटर क्यूब में है तो आपको दोनों डेटा को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी आप इसको अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फॉर द वेट ऑफ द सिलेंडर। तो डेंसिटी हमारी ये दी हुई है 50, अब हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो मैं यहां निकालने जा रही हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यानी आप इसमें अगर वैल्यूज रखिएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, रेडियस आपका 7/7 और हाइट आपकी 10। ये कट गया, ये आप क्या हो गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी आपकी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही दी हुई है। तो अब आपको वेट निकालने के लिए डायरेक्टली बस आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 50/1540 ये हो गया 00, 5 4 20, 2 5 5 25, 26 27, 2 5 5 6 7। और ये आपकी जो वेट होगा ये ग्राम्स में होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वेट को किलोग्राम में निकालना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 77 किलोग्राम। तो इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं। एक पैटर्न और होता है सिलेंडर के केस में, अब मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 cm², कि हमारा ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस नहीं दिया है हमको, लेकिन इस पूरे जो बेस एरिया है उसका एरिया का वैल्यू दिया हुआ, वो दिया है 88 cm² एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 cm, और हमें ये सारी चीजें निकालनी है। तो आपको मैं बता दूं, एरिया ऑफ बेस फॉर अ सिलेंडर इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो वी जस्ट इक्वेट इट, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88। फॉर फ्रॉम हियर वी फाइंड 88/22/7, सो वी गेट 4/7 आर स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ आर इज 2√7। आफ्टर दैट वी हैव द हाइट 20 cm एंड यूजिंग अवर फॉर्मूलाज वॉल्यूम कवर्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया वी गेट द डिफरेंट आंसर्स। फॉर द वॉल्यूम वी यूज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7। ओके, आई विल डू 1/1 फॉर यू। वैल्यू ऑफ आर आई विल राइट हियर 2√7। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच, that is 22/7 r square, that means
टू अंडर रूट सेवन इंटू टू अंडर रूट सेवन एंड वैल्यू ऑफ हाइट इज 20. When there are two under roots, they get multiplied. We have 22 upon 7. 2 2s are 4 into 7 into 20. जब दो बार अंडर रूट होते हैं तो वो एक 7 हो जाता है. ये कट गया. फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 80 हो गया 0. 8 2s are 16. 8 2s are 16 and 17. और ये वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में दिया है. So this is centimeter cube. इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा. कर्व सरफेस एरिया मैं दोबारा बता रही हूँ 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच. अगर आप अंडर रूट 7 नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो जस्ट लीव इट एज इट, इसको छोड़ दीजिएगा.